नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। और आज हम हमारे रेज योर वॉइस शो में बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में NSUI और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच चल रहे टकराव की। NSUI के अध्यक्ष विशाल सिंह का आरोप है कि प्रशासन उन्हें किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं देता है। वहीं प्रशासन AVVP पर हमेशा मेहरबान रहता है, उसे सभी कार्यक्रम के लिए अनुमति मिल जाती है। वहीं NSUI के साथ सौतेलों की तरह व्यवहार किया जाता है। धारा 144 में क्या आप चार लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं? नहीं ना। लेकिन जब धारा 144 लगे होने के बाद भी आराम से एक संगठन शोभा यात्रा निकाल ले तो उसे आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ है, जहां 17 जनवरी को रोहित वेमुला की पुण्यतिथि पर NSUI को कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन ने कहा कि कार्यक्रम होने पर शांति भंग का खतरा है, इसीलिए धारा 144 लगाया गया। वहीं सोमवार को AVVP ने शोभा यात्रा निकालते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके बाद अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए 6 फरवरी यानी सोमवार को ही NSUI ने VC के विरोध में गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन किया और विरोध में नारेबाजी भी की। हालांकि VC के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। जी, मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं NSUI लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि हम पिछले तमाम कुछ दिनों से देख रहे हैं, जिस तरीके की गतिविधियाँ कैंपस में प्रशासन द्वारा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVVP द्वारा किया जा रहा है, अन्य छात्र संगठनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसकी कहीं ना कहीं मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं और देखें, जब हम लोगों ने रोहित वेमुला पे एक मार्च निकाला, उसको प्रशासन ने पूरा प्लान्ड तरीके से रोका, पूरा एक प्लान्ड वे में AVVP के मॉब द्वारा एक हम पे अटैक करवाया गया। हमारे उसमें साथियों को थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, बोतल फेंका गया पानी का हम लोगों पे, भद्दी गालियाँ दी गई। उस इंसिडेंट के बाद जब हम मार्च करने में अनसक्सेसफुल होते हैं, और उसके बाद फिर पुलिस द्वारा हमको समन किया जाता है, 50,000 का हम पे मुचलका हमको देना पड़ता है, 50,000 का चालान हम पे किया जाता है 116-107 के तहत। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बीते वर्षों में जो लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर है, वो एक उसका जो इंक्लाइनेशन है, कहीं ना कहीं पूरी एक आइडियोलॉजी के प्रति ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक ही विश्वविद्यालय में एक संगठन को किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति मिल जाती है, लेकिन बाकियों को अनुमति क्यों नहीं मिलती है? NSUI के अध्यक्ष विशाल सिंह का आरोप है कि उनसे जुड़े दूसरे छात्र जो हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है, उन्हें डराया जाता है। इन सब के बावजूद AVVP पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि 17 जनवरी को NSUI विशाल सिंह की अध्यक्षता में मार्च निकाल रहे थे, तब उन्हें और उनके साथियों को रोका गया। करीब 100 लोगों ने उन पर अटैक किया, पुलिस के सामने ही बोतलें भी फेंकी गई। विशाल सिंह का कहना है कि NSUI पर AVVP ने हमला किया है, वो भी एक बार नहीं कई बार, लेकिन केस विशाल सिंह के ऊपर हुआ है। वहीं शांति भंग करने के आरोप में 50,000 रुपए का उन पर जुर्माना भी लगा है। वहीं जब NSUI के अध्यक्ष ने AVVP के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, तो उनकी शिकायत नहीं लिखी गई। पुलिस वालों ने कहा कि उनके ऊपर से दबाव है, इसीलिए वो FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं। यहां किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVVP किस दल से संबंध रखता है। क्या शैक्षणिक संस्थान सत्ताधारी पार्टियों के दबाव में काम कर रहे हैं? और किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम करना या रैली निकालना कोई अपराध है? और अगर इसे अपराध ही माना जा रहा है, तो क्या ये किसी एक संगठन के लिए अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और दूसरे संगठनों के लिए ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है? इसी तरह की घटना से क्या लोगों के अधिकारों और संविधान पर हमला नहीं हो रहा है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19(1)(c) में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने, अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने, आंदोलन करने, सार्वजनिक सभाएं करने का अधिकार देता है। लेकिन क्या अब सिर्फ सत्ता से जुड़े संगठनों को ही ये अधिकार दिया जाएगा? ये सवाल आज हर कोई
सरकार और प्रशासन दोनों से पूछ रहा है। मैं कामिनी झा, मॉलटेक्स।